छात्रों, आज हम लोग सामान्य हिंदी कक्षा 11 के अंतर्गत फिर चल रहे हैं महाकवि सूरदास के भ्रमर गीत की ओर। आज सातवां भ्रमर गीत है और चौथा वीडियो आपके सामने पेश हो रहा है। बच्चों देखिए क्या है इस सातवें भ्रमर गीत में। उधव जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कहा जाने, कैसे ध्यान धराही, जई तेई मूंदन नयन कहत हो हरि मूरत जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी न जाही, सवन सिर सिर जटा बंधाव या दुख कौन समाही, चंदन तजियन भस्म बतावत बिरह अनल अति दाही, जोगी भ्रमत जाहि लग भूले सो तो है अपमाही, सूर श्याम तय प्यारी न्यारी न पलछिन ज्योत घटते परछाही, उधव जोग जोग हम नाही। बच्चों बहुत अच्छा पद्य है। प्रसंग आप सुन लीजिए। पहले उधव जी गोपिकाओं के पास पहुंच गए हैं और उनको योग साधना करने के लिए उपदेश दे रहे हैं। निराकार ब्रह्म के उपासक थे, योगी थे, गोपिकाओं को योग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और साकार ब्रह्म की जगह निराकार ब्रह्म के उपासक बनने की बात कर रहे हैं। उद्धव गोपिकाओं को ये पसंद ही नहीं है क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की भक्त हैं, तो बहुत ही अकाट तर्क दे रही हैं उद्धव जी के योग उपदेश के उत्तर में। क्या कह रही हैं? जब उद्धव जी उनसे कहते हैं कि योग साधना करो, तो गोपिकाएं कहती हैं कि उद्धव जोग जोग हम नाही। बच्चों समझिएगा, यहां पर यमक अलंकार का प्रयोग हो गया है। जोग जोग दो बार आया है, जोग जोग एक ही शब्द, और एक शब्द जब एक से अधिक बार आता है और हर जगह उसका अलग अर्थ हुआ करता है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। एक जोग जोग, पहले वाले जोग का अर्थ है योग साधना, जोग योग योग साधना, और दूसरा वाला जो जोग है उसका है योग्य। दूसरे वाले जोग का अर्थ है योग्य अर्थात लायक। उद्धव जी हम योग साधना के योग्य नहीं हैं, समझ लीजिए ठीक से। दोनों जोग जोग का अलग अलग अर्थ है। पहले वाले जोग का अर्थ योग साधना, दूसरे वाले जोग का अर्थ योग्य। तो गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव जी हम लोग योग साधना के योग्य नहीं हैं। फिर आगे बता रही हैं, अबला सार ज्ञान कहाँ जाने, हम अबला हैं। नारी का एक पर्याय है अबला, नारी को अबला कहा गया है, तो हम लोग अबला हैं। सार ज्ञान कहाँ जाने, तत्व ज्ञान, सार ज्ञान तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान किसमें मिलता है? निराकार ब्रह्म की उपासना में मिलता है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना में तत्व ज्ञानी जो होते हैं वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं और निर्गुण ब्रह्म की उपासना में ही तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। हम लोग अबला हैं, हम लोग तत्व ज्ञान के विषय में क्या जाने, कहाँ जाने, क्या जाने, तत्व ज्ञान के विषय में हम लोग क्या जाने, क्योंकि हम साकार के उपासक हैं। हम लोग निराकार या निर्गुण के उपासक नहीं हैं, हम अबला हैं, हम तत्व ज्ञान के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। कैसे ध्यान धराही, किस प्रकार से ध्यान धारण करें तुम्हारे उस भगवान की, निर्गुण ब्रह्म की उपासना हम कैसे करें, कैसे ध्यान लगाएं, क्योंकि हम लोग तत्वज्ञानी नहीं हैं, हम अबला हैं, हम योग साधना के योग्य नहीं हैं, तो हम कैसे ध्यान लगाएं तुम्हारे उस निराकार ब्रह्म में। तेई मूंदन नयन कहत हो, तेई माने उनको, मूंदन माने बंद करने के लिए, नयन माने आंखों को बंद करने के लिए, कहत हो माने कहते हो, तुम उनसे आंखों को बंद करने के लिए कहते हो। हमसे, उनसे का मतलब हमसे, यो गोपिकाएं कह रही तुम हमसे कहते हो कि आंख मूंदो, आंख बंद करो। हरि मूरत जिन माही, जिन आंखों के अंदर हरि की मूर्ति बसी हुई है, भगवान श्री कृष्ण, हरि माने भगवान श्री कृष्ण की मूरत माने मूर्ति, जिन माही माने जिनके अंदर बसी हुई है, उन आंखों को तुम कहते हो कि आंख बंद करो। अब समझो बच्चों क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है कि जब योग साधना की जाती है, आप देखते होंगे जो योग योग आज योग का इस समय बड़ा भारी प्रचलन चल रहा है,
पूरे विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित कर दिया गया है योग को। तो योग में जब योगी बैठता है और अपना पद्मासन लगाकर या और दूसरे आसन जब बैठता है और उस समय वो अपना ध्यान जो है वो जोड़ता है ईश्वर से, निराकार ब्रह्म से जोड़ता है, और उस समय आँख मूंदता है, एकांत में बैठ करके आँख मूंद करके वो ध्यान लगाता है अपने भगवान में, उसी को योग कहते हैं। योग का मतलब जोग, योग माने जोड़ना, अपने मन को भगवान से जोड़ना, अर्थात आत्मा का जुड़ाव जब परमात्मा से हो जाता है, जब तार में तार भिड़ जाती है, योगी को उस समय इस दुनिया को भूल जाता है, वो केवल परमात्मा में जा करके अपने मन को लगा देता, वही है योग। और उस समय एकांत में आँख मूंद करके योग साधना की जाती है। तो गोपिकाएं वही कहती हैं कि उद्धव जी, तुम हम लोगों को आँख मूंदने के लिए कहते हो कि योग साधना करो आँख बंद करके, हम कैसे भला बंद कर सकती हैं, क्योंकि हम इन आँखों में, हमारी इन आँखों में तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है, हम बंद कैसे कर सकती हैं, हम बंद करेंगी तब भी वो मूर्ति हमको दिखाई पड़ रही है, हमने पहले से बसा लिया है अपनी आँखों में किसी ईश्वर को, अब उसमें दूसरा ईश्वर का कोई स्थान ही नहीं हो सकता है, तो ये हमारे बस की बात नहीं है उद्धव जी, हम लोग योग साधना के योग्य नहीं है। ऐसी कथा कपट की कथा कपट आ गया अनुप्रास अलंकार का कथा कपट का लगातार, ऐसी कथा कपट की मधुकर, मधुकर उद्धव जी को मधुकर भी कहा जाता है, आए उद्धव जी इस प्रकार की कपट की कथा जो तुम कह रहे हो, कपट की कहानी जो तुम बता रहे हो, जो तुम छल कपट वाली बातें हमसे कर रहे हो मधुकर उद्धव जी, हमते सुनी न जाही, हमसे ये सुना नहीं जाता है तुम्हारी बातें, ये कपटपूर्ण बातें तुम्हारी, हमारे भगवान के प्रति जो तुम हमको विचलित कर रहे हो उनको उनकी भक्ति करने से, ये बातें हमसे अब सुना नहीं जाता है उद्धव जी। श्रवण चीर सिर जटा बंधाओ, तुम कहते क्या हो कि श्रवण चीरो, श्रवण माने कानों को, चीर माने चीरो, योगी जो होते हैं आप देखे होंगे, जो योगी होते हैं उनके कान में कान चीड़े जाते हैं, जब उनको योग साधना में पारंगत किया जाता है तो अपने कानों को चीड़ते हैं, नीचे वाला भाग जो होता है ये कान चीड़े जाते हैं, तो श्रवण माने कान, चीर माने चीड़ो, सिर जटा बंधाओ, सिर में कहते हो कि बालों की जटा बांधो, योगी लोग जटाधारी होते हैं, योगी लोग जटा रखते हैं और अपने सिर के ऊपर जटाएँ बांधे रहते हैं, कानों को चीड़े रहते हैं, और ये दुख कौन समाही, भला ये दुख जो है, इस तरह का दुख जो तुम बता रहे हो ये कहाँ समा सकता है हमारे अंदर, हम लोग कैसे ऐसे दुख को सहन कर सकती हैं, तुम कहते हो कि कान चीरो, सिर में बालों को इकट्ठा करके जटा बांधो, योगी बन जाओ, ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुख है उद्धव जी, ये हमारे अंदर समा नहीं सकता है। चंदन तज, हम लोग चंदन लगाती हैं, हम लोग चंदन लगाती हैं क्योंकि हम साकार ब्रह्म के उपासक हैं, हम वैष्णव के उपासक हैं, जो साकार के उपासक होते हैं वो चंदन अपने शरीर में लगाते हैं, और तुम कहते हो कि तज, माने कहते हो चंदन को तज दो, चंदन को छोड़ दो, अंग भस्म बताओ, तो अपने अंगों में कहते हैं कि भस्म लगाओ, भस्म माने राख, योगी लोग जो होते हैं योग साधना करने वाले योगी होते हैं वो अपने शरीर पर राख लगाते हैं, भस्म, भस्म वही भस्म जो होती है उसके पूरे शरीर पर लगाते हैं, तो कहती है कि तुम कहते हो कि चंदन को मत लगाओ अपने शरीर में, हम लोग चंदन का सेवन करती हैं और उसको तज माने छोड़ दो, अंग भस्म बतावत, और अपने अंगों में भस्म लगाने की बात, हमारे अंगों में भस्म लगाने की बात तुम करते हो कि चंदन को छोड़ करके शरीर पर राख लेपो। विरह अनल अतिदाही, हम लोग विरह के अनल माने आग में, अतिदाही माने बहुत जल रही हैं, भगवान कृष्ण के विरह की आग में हम लोग बहुत जल रही हैं, और तिस पर तुम कहते हो कि तुम राख लगाओ वो और जलन पैदा कर देगी हमारे अंदर, चंदन है तो कम से कम कुछ शीतलता प्रदान करता है, चंदन शीतल होता है बच्चों, और भस्म जो होती है ये उष्ण होती है, तो हम श्री कृष्ण के वियोग में इस समय जल रही हैं, उस वियोगाग्नि में, विरह की अनल में, वियोग की आग में श्री कृष्ण है नहीं इस समय, वियोग की आग में हम लोग जल रही हैं, तो चंदन लगाती ही अपने शरीर में तो चंदन हमको कुछ शीतलता प्रदान करता है, लेकिन तुम कहते हो कि चंदन को छोड़ करके भस्म लगाओ ये जो है ये हमको जो है और जला देगा, अतिदाही माने बहुत जला देगा हमको। योगी भ्रमत जाहि लग भूले, योगी लोग
भ्रमत माने भ्रम, बस घूमते रहते हैं। अजाहि लगि भूले, जिसको भूले रहते हैं, जिस भगवान को योगी लोग ढूंढा करते हैं, भ्रमित रहते हैं भगवान ईश्वर को ढूंढने में। जोगी भ्रमत जाहि लगि भूले, जिसको भगवान को वो ढूंढते रहते हैं, जिसको भूल जाते हैं, बिसर जाते हैं जोगी लोग। सोतो है अपमाही हो भगवान, तो अपमाही माने अपने अंदर बैठा हुआ है। देखिए कितनी बड़ी बात है यहाँ पर। जिस भगवान को हम लोग ढूंढा करते हैं, योगी लोग योग साधना वाले ढूंढा करते हैं, वो कहीं नहीं है, वो हर जगह है। यहाँ तक कि हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर परमात्मा का निवास होता है, परमात्मा उसके अंदर बैठा रहता है, कहीं बाहर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। योगी भ्रमत जाहि लगि भूले, सो तो है अपमाही। योगी लोग घूमा करते हैं जिसको ढूंढने के लिए, और भूले रहते हैं वो भगवान, तो अपने अंदर बैठा हुआ है। सूर श्याम ते प्यारी न न्यारी न पलछिन, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि श्यामते, श्यामते माने श्री कृष्ण से न्यारी न, न्यारी माने अलग, अलग हम नहीं हो सकती हैं, पलछिन एक भी पल के लिए, एक भी क्षण के लिए हम श्री कृष्ण से अलग नहीं रह सकती हैं। कौन कहती है? गोपिकाएं कहती हैं। किससे? उद्धव जी से कहती हैं कि हम लोग श्री कृष्ण के बिना या श्री कृष्ण से एक भी पल के लिए, क्षण के लिए न्यारी माने अलग नहीं रह सकती हैं। ज्यों उपमा अलंकार मिल गया बच्चों, ज्यों शब्द आ गया, ज्यों जैसे उपमा देने जा रहे हैं। कैसे अलग नहीं रह सकती है? जैसे घटते परछाई, घट माने शरीर, ये शरीर को घट कहा जाता है, जैसे शरीर और परछाई माने परछाई, शरीर की परछाई। क्या आप कोई अलग कर सकता है? शरीर जहाँ जाएगी वहाँ परछाई जाएगी। परछाई को एक भी क्षण के लिए कोई आदमी शरीर से अलग नहीं कर सकता है, परछाई माने छाया। तो हम लोग श्री कृष्ण से एक भी पल या क्षण के लिए अलग नहीं रह सकती हैं, जिस प्रकार शरीर से परछाई अलग नहीं हो सकती है। इसीलिए उद्धव जी, हम लोग योग साधना के योग्य नहीं हैं। बच्चों ये एक पद्यखंड है आज की इस वीडियो में, आप इसको बढ़िया ढंग से लिखिएगा, खूब पढ़ लीजिएगा। काव्य सौंदर्य मैं आपको सब वही लिखना है जो हम पहले बता चुके हैं, और कोई दिक्कत आती हो तो ये तनिष्क चैनल है, यूट्यूब चैनल पर तनिष्क क्लासेज के नाम से आप ढूंढ लीजिए, हर चीज का वीडियो हिंदी और अंग्रेजी 10 11 12 के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप ढूंढिए, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।